नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल जाधव, नासिक कर स्वप्निल जाधव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2013 में केदारनाथ में, जो उत्तराखंड में है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। त्रासदी बारिश के बादल फटने की वजह से हुई थी। बहुत बाढ़ केदारनाथ के एरिया में, उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में आ गई थी। बारिश ने बहुत कहर बरसाया था और उस कहर के कारण उस केदारनाथ की घाटियों में, ठंडी घाटियों में, हिमाच्छादित घाटियों में एक मौत का कहर बर पाया था। और केदारनाथ के उस त्रासदी में 2013 में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग आज भी उस घाटी में लापता कहे जाते हैं, लेकिन उनके परिजन जो हैं वो आज भी उनकी वापस लौटने की दुआ मांगते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की जो फिल्म समीक्षा है, जो फिल्म रिव्यू है, वो आज शुक्रवार को रिलीज़ हुए फिल्म केदारनाथ के संदर्भ में है। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक कपूर। अभिषेक कपूर ने इससे पहले फिल्म रॉक ऑन और फिल्म काय पोचे, ऐसी दो दर्जेदार फिल्में दी हैं। कम फिल्में करने वाले डायरेक्टर, लेकिन अच्छे फिल्में हमारे सामने लाने वाले एक डायरेक्टर अभिषेक कपूर के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो केदारनाथ नाम की फिल्म है, ये दरअसल एक प्रेम कहानी है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो केदारनाथ की त्रासदी है सन 2013 की। तो आइए दोस्तों, इसी फिल्म केदारनाथ के बारे में और जानते हैं अपने फिल्म रिव्यू में। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे नासिक कर स्वप्निल जाधव यूट्यूब चैनल को और साथ में नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, स्टोरी की तरफ आते हैं। केदारनाथ की स्टोरी एक केदारनाथ की स्टोरी केदारनाथ के ही वादियों में शुरू होती है। केदारनाथ के स्टोरी का जो हीरो है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत, यानी कि फिल्म में जिसका नाम मुक्कू है, तो वो एक भक्तों को केदारनाथ के दर्शन करवाने के लिए वादियों में लाने ले जाने के लिए एक कहारे का, या जो कहें अपने कंधे पर जिन्हें उठाकर ले जाने का काम करता है, जिन्हें उत्तराखंड में पिट्ठू के नाम से जाना जाता है, वो अपने कंधों पर भक्तों को ले जाते हैं। जैसे कि घोड़ों पे ले जाते हैं, वैसे कंधे पर भी ले जाते हैं। कुछ ऐसी सर्विस हैं वहाँ पे। तो हमारे एक फिल्म का नायक जो है, वो अपने कंधे पर भक्तों को ले जाने का काम करता है केदारनाथ के दर्शन करवाने के लिए। और फिल्म की जो नायिका है सारा अली खान, जो कि अपने फिल्म करियर का डेब्यू कर रही हैं, तो उनका नाम है मंदाकिनी, और फिल्म में जिन्हें मुक्कू के नाम से जाना जाता है। तो मुक्कू और मंसूर दोनों की ये एक लव स्टोरी दिखाई गई है। मुक्कू यानी कि मंदाकिनी एक हिंदू परिवार से है, पंडित हिंदू परिवार से, और सुशांत सिंह राजपूत यानी कि मंसूर या मुक्कू, तो सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत यानी कि मुक्कू और मंसूर की ये प्रेम कहानी शुरू होती है। मुक्कू की प्रॉब्लम यह है
कि वो एक बंडखोर नायिका दिखाई गई है, अपने ही बड़ी बहन के होने वाले पति के साथ जब मुक्कू की शादी तय हो जाती है तो वो उसे अच्छा नहीं लगता और वो इस सब से खफा है, ऐसा दिखाया गया। उस मुक्कू के मर्जी के खिलाफ उसका जो एंगेजमेंट है उसकी, वो उस लड़के के साथ की जाती है। इसके बाद क्या होता है, एंगेजमेंट के बाद ऐसा दिखाया गया है कि किसी घटना के दौरान फिल्म के हीरो और हीरोइन की एक मुलाकात होती है केदारनाथ की घाटियों में, और वहाँ पे दोनों की जो प्रेम कहानी है वो शुरू होती है। इस कहानी में जो हीरो है वो एक मुस्लिम लड़का दिखाया गया है और हीरोइन जो है वो एक हिंदू पंडित की लड़की दिखाई गई है, लेकिन इस कहानी में एक धर्म के एंगल से हटकर कहानी दिखाई गई है। ऐसी हज़ारों फिल्में आ चुकी हैं बॉलीवुड में जो हिंदू और मुस्लिम लड़के और लड़की की प्रेम कहानी दिखाते हैं, लेकिन इस फिल्म में धर्म के एंगल को बिल्कुल नकार दिया गया है। धर्म के एंगल से ये प्रेम कहानी बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का नायक मुस्लिम दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मुस्लिम होने के बाद ये जो नायक है वो भगवान शंकर पे बहुत श्रद्धा रखता है और अपने चरितार्थ का साधन ना मानते हुए अपने काम को, श्रद्धालुओं को ले जाने का जो काम है उसे एक श्रद्धालुओं की सेवा और भगवान की सेवा के तौर पर वो मानता है। और नायिका जो है वो अपने घर से केदारनाथ के मंदिर तक रोज़ जाने और आने के लिए इस मुक्कू के सर्विस का यूज़ करती है। इसी आने जाने के सिलसिले में दोनों का प्यार जमता है, लव स्टोरी शुरू होती है, लेकिन इसी दौरान एक ट्विस्ट आता है कि लड़की के घर वाले, मुक्कू के घर वाले उसकी जबरन शादी फिक्स कर देते हैं, लेकिन शादी के दिन मुक्कू आत्महत्या करने का प्रयास करती है। और इधर मंसूर जो है उसको, जिससे मुक्कू की शादी होने वाली है वो उससे धमकियां मिलती हैं, और इधर हीरो मंसूर जो है वो अपने बाकी के साथियों के सुरक्षा के लिहाज से ये सोचता है कि केदारनाथ छोड़ना चाहिए, और उसी दौरान जो है केदारनाथ का प्रलय शुरू होता है, बादल फटने शुरू होते हैं, और बाद में जो बादल फटने से बारिश का रौद्र रूप आता है वो फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो फिर मंसूर और जो मुक्कू है उनकी शादी हो पाती है या नहीं, इसी तरह मुक्कू के घर वाले क्या करते हैं, आगे क्या फैसला लेते हैं, मंसूर केदारनाथ छोड़ के अपने साथियों के साथ वापस लौट जाता है या नहीं, केदारनाथ का प्रलय जो है वो इन दोनों को साथ में आने में फाइनली क्या भूमिका निभाता है, ये भी आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। कहानी का, इस प्रेम कहानी का बाद में क्या अंजाम होता है ये भी आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। दोस्तों, इस कहानी का जो पहला उत्तरार्ध है वो थोड़ा सा हमें लगता है कि संत है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, कहानी थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन इंटरवल के बाद कहानी और जो केदारनाथ का प्रलय दिखाया गया है वो इतना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट दर्शकों के माइंड पे छोड़ता है कि दर्शक जगह से हिलते ही नहीं। कथा बहुत स्पीड पकड़ लेती है, बहुत वेगवान हो जाती है, और दोस्तों इस कथा में VFX का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते 2.0 में देखा था। दोस्तों, फिल्म के उत्तरार्ध में यानी पहले भाग में जो एक सुंदर सिनेमेटोग्राफी की गई है उत्तराखंड के वादियों की, बर्फाच्छादित वादियों की, तो जो इंटरवल के बाद का पूरा सीन है वो बिल्कुल पलट जाता है। त्रासदी
प्रलय से उत्तराखंड की जो बर्बादी होती है वो हमें एक तरह से झंझोड़ देती है सब इस कथा में। एक तरह से ये उत्तराखंड की वादियाँ, केदारनाथ की वादियाँ एक तरह से शमशान घाट बन जाती है हज़ारों लोगों के मौत का। यहाँ दिग्दर्शक अभिषेक कपूर ने, यहाँ डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने और एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि इंसानों के कारण जो नेचर की, जो निसर्ग की हानि हो रही है वो किस हद तक सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि इस विश्व में जो पूरे जीव सृष्टि है उसके लिए कैसी हानिकारक हो सकती है, वो जो इंसानों ने विकास किया है वो कैसे हानिकारक हो सकता है, ये सब इस कथा में डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है। धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने फिर एक बार अच्छा काम इस फिल्म में किया है। और सारा अली खान के बारे में क्या कहें, दिखती तो बहुत सुंदर है ही लेकिन उसके साथ अभिनय में भी वो बहुत बिल्कुल भी नहीं लगता। फिल्म में सारा अली खान को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो उसकी पहली फिल्म है। फिल्म के गीत लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और फिल्म को संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। बहुत ही सुंदर गाने हैं, कुछ गाने तो बहुत ही सुंदर हैं, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको भी पसंद आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं स्वप्निल जाधव केदारनाथ फिल्म का ये रिव्यू अब ख़त्म करता हूँ। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि हम हर शुक्रवार या शनिवार क्योंकि हम हर हफ्ते नई फिल्मों का रिव्यू लेके आपके सामने आते रहते हैं। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो यार ज़रा लाइक का बटन दबा दीजिए, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो फिलहाल के लिए मैं स्वप्निल जाधव आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ। बाय बाय। और राम मंदिर वहीं बनाएंगे। जय भोले बाबा की।